अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब अच्छे रहें, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, हमारे घर में आए हैं नए मेहमान। चूज़े है, डैडी हमारा देख रहा है इन लोगों को, और मुन्नू को आ गया है गुस्सा कि हम लोगों ने दूसरी बिल्ली कहाँ से, दूसरी चूज़े कहाँ से लाए हैं। तो ये कितने प्यारे बच्चे, एक्चुअली हम लोगों के नहीं है, शाहिन की एक फ्रेंड है, तो उन लोगों के बच्चे हैं, उन लोगों ने अभी भी लिए हैं। तो ये तो देखिए, हमारा टैडी देखो कैसे देख रहा है, उसको भी नया लग रहा है, ये कौन आ गए सोच रहा है। वाह, कितने क्यूट बच्चे। हम लोग का जो मुन्नू था ना, मुन्नू, वो देखो सेम इस चूजे के जैसे दिखता था, क्यूटी। ये पकड़ मेरे हाथ में, गोहर ऐसे रख इधर पे। अरे वाह, हमारा मुन्नू ऐसा ही दिखता था, छोटा से था तो। अरे वाह 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 वाह, मुन्नू, ए मुन्नू, ए ले देख देख, तेरे दोस्त आ गए मुन्नू। अरे रे 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 रे, मारेगा कभी मुन्नू। और हमारा टैडी देखो कैसे लोगों को झांक रहा है, उसको भी लग रहा है अजीब सा कि कौन है ये। ये तो छोटा बच्चा बन जाता है। और ये देखो मुन्नू, देख ये देख कितना प्यारा क्यूटी। तू शादी कर लेता बुढ़े तो तेरे बच्चे भी इतने होते हैं। बुढ़ा, ए बुढ़े, ए बुढ़े मुन्ने। मुन्नू हमारा 3 साल का है, ये देखो इतना छोटा से था जब ये आया था हमारे पास, ऐसे कलर था इसका, पिंक कलर। देखो ये शाइन, टैडी इसको पकड़ने जा रहा था, वो तो मैंने बोली खाने जा रहा है, इसको मुंह में पकड़ने जा रहा था, अभी ऐसे पकड़ने जा रहा था। बाप रे, पकड़ो 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 टैडी को। बाप रे, अच्छा मैंने इसको पकड़ ली, टैडी का गला पकड़ने वाला था वो, टैडी इसका गला पकड़ने वाला था ये बच्चे का। ये बच्चा देख अंगूठी खा रहा है मेरे। फिर आया तो टैडी नई बिल्ली लोगों को पकड़ने का, मार खाएगा जिले की बिल्ली, तो पकड़ के मारेंगे। ये भार मत डालो, तेरे दोस्त आए बेटा मिल ले आके। इसके पास छोड़, मुन्नू के पास छोड़, मुन्नू के पास। मुन्नू इतना छोटा से था जब आया था मुन्नू। अगर तेरी शादी जाते टाइम पे बेटा इतने बच्चे रहते तेरे। मुन्नू अभी भी वक्त है बेटा, कर ले, नहीं कराती मेरी माँ बोलते नहीं, अंदर एकदम घुस जाएंगे तो फिर मिलेंगे नहीं ना। सबको देखना पड़ रहा है। ये लोग इधर की भाग रहे हैं। बराबर आ, खाओ खाओ, शर्माओ मत, खाओ शर्माओ मत। क्या 8 है ना पूरे? हाँ। ये लोग यहाँ खा रहे हैं और हमारा मुन्नू यहाँ। मुन्नू क्यों नहीं खा रहा तू? मुन्नू, मुन्नू का बाजरा इधर है पर वो खा नहीं रहा। ये पिंक वाला बहुत भाग रहा है, पिंक वाला भाग रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे हो का रहा, हो का रहा। मुन्नू पीछे से देखा रहा है, पीछे से। मुन्नू पीछे से आया, आया उधर से आया। और ये बिल्ली देखो हम लोग यहाँ ऊपर से निशाना बना रही है बच्चे लोग को पकड़ने के लिए। ये देखो एक दूर यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है, बैठा है। गौर मोबाइल गिरेगा, जरा दे पकड़ ले, रेडी को हटा ले वहाँ से। और ये देखो लोग खा रहे, इधर पे खा रहे फटाफट। दावत है तुम लोग की आज, चिकन को चिकन मिल रहा है, बताओ कमाल की बात है। ये तो भी दे देते ना, थोड़ा मैं खिला दे। तू खिला दे, शाइन खिला रही है, मेरे हाथ में लगा है ना थोड़ा सा, मेरे हाथ को पकड़ लेना। वो वेजिटेबल नॉन वेज नहीं खाता, ये वेजिटेबल वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाता है वो। ये लोग खा रहे थे मजा, ये लोग फर्स्ट टाइम है ना, ये लोग बिल्ली लोग मतलब मुर्गी लोग भी खाती चिकन, क्योंकि हम लोग घर में मुर्गी थी ना, मैनू नाम था उसका, तो वो नहीं खाता था। हमारा मुन्नू भी खाता है कभी कभार, तो उसको हम लोगों ने छोड़ा डाले। ये इतने छोटे छोटे बच्चे लोग खाते हैं, पकड़ इसको टेडी को, देख आया थे फिर से, ये देखो लेके भाग दियो, देखो 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 देखो, अरे देखो कैसे लड़ाई कर रहा है। दे 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 दे, मेरा पीस है कैसे पकड़ के भाग रहे इसको, दोनों खा ही नहीं रहा बेचारा। तो मेरा सब काम हो चुका है, आज 11वीं शरीफ की नियाज थी,
हमारे उधर अहमदाबाद थी गौर शाहिन की फ्रेंड की फ्रेंड के यहाँ जो बच्चे उधर रहते थे हम लोग वही लड़की के घर पे थी। जहाँ हम लोग का इज्तिमा होता है ना, तो इज्तिमा है ना मस्जिद के बाजू में एक और एक हिस्सा है जिसमें इज्तिमा होता है, तो वहाँ पर लोगों ने अहमदाबाद रखी है। तो शाहिन गौहर अयाज खाकर आ गए, मेरे दांत में दुख रहा ना तो मैं नहीं जा पाई, तो बहुत दुख रहा नीचे का दांत से ना तो हिल रहा है, हिल के अटक गया थोड़ा सा लेकिन वो निकल नहीं रहा। तो घर में भी मेरे को खाना खाने का मन नहीं किया, तो अभी शाहिन गई है 11 किताब खनियाज खा के आ गए उन लोग, तब गई है 11 किताब पढ़ने के लिए। फिर शाम को इन लोगों को वापस से दावत है 11 किताब की, 11 किताब की नहीं 11 किताब भी पढ़ने की ना, उधर शाम को नियाज है खाने की, तो गौर है जाएंगे। तो मैं आज बनाने का सोच रही थी छोले भटूरे, तो छोले मुझे अभी मुझे दोपहर में जाने वाले खाने के लिए मुझे पता था, पर शाम को मतलब रात का खाना भी बाहर रही है, मेरे को ध्यान में नहीं था, मैंने छोले भिगा दी और अब मुझे वो बनाने पड़ेंगे, वरना क्या होगा वो ख़राब हो जाएंगे, वो फेस वैसा ऐसा हो जाता है। तो सोचा है चलो बना दूँगी, अभी तो बज रहे हैं 2:30, तो बना दूँगी शाम को। शाम को कभी बच्चे लोग जैसे अभी तो खाना खा कर आए, तो शाम को तो लोगों का नाश्ता हो जाएगा, नाश्ता कर लेंगे, रात को फिर खाना उन लोग का बाहर ही है, बच्चों का नियाज है, तो बना दूँगी। तो उसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी छोले भटूरे की, भटूरे तो नहीं मैं नान सोच रही उसके साथ बनाने के लिए, क्योंकि छोले और नान भी बहुत अच्छा लगता है, तो सोच रही वही बनाऊँ और देखूँगी बच्चों से पूछ लूँगी, इनको भटूरे पसंद है तो भटूरे बना लेंगे, वरना ये छोले ज़रूर बनाऊँगी, ये छोले मेरे को बहुत टाइम से बनाना था, और वही करूँगी बना दूँगी। तो ये भी देखो मेरा पोछा वगैरह सब हो चुका है, मैंने पोछा वोछा मार के, चाय गौहर बैठी है, पोछा मार के जो ये जो डब्बा हम फिक्र है इसके अंदर बिल्ली के बच्चा मुर्गी के बच्चे हैं, और घर में नियाज हो रही है ना, मतलब बाहर गए लोग नियाज हमारे ऐसा माता है वहाँ, तो घर पर कोई नहीं है लोगों के, मुर्गी के बच्चे कहाँ छोड़े, इसलिए हम लोग रखा अपने पास, बाद में दे देंगे, पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा दुख रहा, मतलब उसमें ख़राब हो गया था दांत वो, और अब टूट चुका है बुरी तरह से, ऊपर का निकल गया लेकिन चमड़ी में अटका हुआ है, तो वो नहीं निकल रहा है मेरे, दुख रहा है, तो खाना भी खाने नहीं हो रहा, सुबह मैंने नाश्ता भी तक किया नहीं ठीक से, और ऐसा है क्या करें। तो अभी मार्केट तो वैसे बहुत चालू है, मार्केट तो वैसे चालू नहीं, चालू मतलब खुल चुकी है सब, और दिवाली है ना उस हिसाब से मार्केट जल्दी खुल जा रही है, और हमारे 11वीं शरीफ तो अभी समझो परसों लास्ट है, फिर हमारे रजब का महीना चालू होगा, फिर शाबान, फिर रमज़ान। खुशी तो मनाते हैं, खुशियाँ मनाना भी चाहिए जब जब हमारे नसीब में आती है, क्योंकि खुशियाँ बहुत कम आती हैं, लेकिन सिर्फ से इनका सोच करना, उस तरह तवज्जो करने के लिए थोड़ा मन नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए ना हम यहाँ पर तो सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, सब कुछ अल्लाह का रहम करम है बहुत बड़ा, बट वहाँ के लोगों का देख देख के ना बहुत बुरा लगता है। अल्लाह पाक कुछ ऐसा कर दे कि उन लोगों का इंसान देखो, वो लोग के जो लोग चले गए वो तो वापस नहीं आ पाएंगे, बट ऐसा कुछ राहत दे दे इन लोगों के जो उनके लोग बचे हैं, एटलीस्ट वो तो सही से रह जाए, वो तो बच जाए। अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत मेहरबान है, नहायतों का मदद करने वाले अल्लाह पाक, लेकिन बोलते हैं ना कभी कुछ होता है तो हम अल्लाह पाक ज़ाहिर है अल्लाह पाक को पुकारते हैं, बट हमारा जो मतलब सब कुछ हो गया आप कह रही, फिर भी अल्लाह पाक के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, कुछ भी हो उनसे अपना भरोसा कभी नहीं हटाना चाहिए, हर मुसलमान का ये बोलते ना मुसलमान का मतलब है मुसलक ईमान, मतलब ईमान वाला मुसलमान, तो हम अपना ईमान अल्लाह पाक के ऊपर से क्यों हटाएं, नहीं हटाना चाहिए। कभी ये मायूस हो जाते हैं तो ये लोगों से मुझसे सुना है मैंने कि अरे कुछ नहीं होता है, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इस दिन में हम रह रहे हैं, सांस ले रहे, कैसे ले रहे, सुबह उठते हम, हाथ पे हमारे जो चलते हैं वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है, हम हमारी ताकत लगा के नहीं चल रहे, अल्लाह पाक चाह रहे तो ये हो रहा है, वरना कुछ नहीं होता, ऐसा है। मेरे दांत के ऊपर ध्यान जा रहा है मेरा, ना मेरे थोड़ी ना सूजन भी आ गई है, सूजन आ गई जाते मुझे देख रहा है, अब देख रहे मुझे थोड़ा अलग आवाज़ में बात हो रही है, ऐसा है। कल इतने पटाखे फूट रहे थे ना, हमारी बिल्लियाँ इतनी डर रही थी, अभी गई है बाहर उन लोग घूमने के लिए, मुर्गी के बच्चे आए ना और लोगों को झट्टा मारने के लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग ने थोड़ा उन लोग को बाहर छोड़ दिया, वैसे भी ये टाइम में लोग बाहर ही रहते हैं, आते फिर 4-5 बजे आके सो जाते हैं, तो
मैं और गौर है घर पर, शाहिन गई है, अयाज नीचे है। अयाज नियाज खा कर आ गया, वो सबसे पहले खा कर आ गया था, वो अच्छा रहता सबसे पहले खा के आ जाता है वो। बाद मेरे को भी बुलाए थे, आम दावत तो थी ना तो जाना था, बट तकलीफ हो रही ना इसमें लग गई। मैंने जाके कहाँ मैं खाते बैठूँगी, अच्छा टाइम लगेगा मेरे को। अयाज पता नहीं कहाँ है, अयाज अयाज किधर है पता नहीं, लड़का कहाँ गायब हो जाता है कुछ समझ नहीं आता, जिसको ढूंढते बैठो ढूंढते बैठो। मुन्नो क्या कहना चाहोगे, तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, बच्चे सो गए, उनको ना बंद कर दी मैंने, तो अंधेरा हो जाता है ना तो मुर्गी लोग का एक आदत होती है, अंधेरा हो जाता है ना लोग सो जाते हैं, उजाला देखेंगे ना तो वहाँ चींचू पोंपो चालू रहता है। मैंने छोले जो भिगाए हैं ज़्यादा नहीं है मेरे, छोले पाव किलो ही है, ज़्यादा एक टाइम के हिसाब से है कि ये पाव किलो ही है, ज़्यादा नहीं है, अच्छा है ज़्यादा नहीं भिगाई, वरना ये परसों तक चल जाते। वैसे तो शाम को खा लेंगे बच्चे और रात को तो वहाँ खाना है, फिर भी घर में भी खा लेंगे दोबारा से तो भी हो जाएगा ये, माशाल्लाह है ज़्यादा है। पाव किलो ये भीग चुके हैं, अभी इनका चालू कर दूँगी 5 बजे से बनाना। और देखते हैं शाम को क्या करते हैं, अभी तो फ़िलहाल सोच रहे कपड़े कबाड़ के जो कपड़े हैं वो घड़ी करने हैं, मतलब बहुत अबड़ धबड़ हो चुके हैं, बच्चे लोग ने कर दिए हैं, तो सोच रही हूँ कि कर लूँ क्योंकि छुट्टियाँ चालू है, तो गौहर मेरी है बेचारी, मेरी मदद करती है, वो हेल्प करती है हमेशा, तो कर लेती हूँ मैं, अभी वही करने बैठ रही थी मैं, सोचा चलो आप लोग से बात कर लूँ, चलिए फिर वही करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बताती हूँ अपनी छोले की रेसिपी। ठीक है, हाँ बज रहे हैं 6:15, तो मैंने चढ़ा दी है चाय और एक तरफ चढ़ा दिया है कुकर जिसमें मैंने डाल दिए छोले, अभी तक इसकी एक भी सीटी हुई नहीं है, सीटी बाकी है इसकी होना, तो जब तक मैं चाय बन जाएगी मैं पी लूँगी ताकि मुझे थोड़ा एनर्जी मिल जाए। ठीक है, ओ नान तो मैंने उसके लिए निकाल लिया है आटा, ये मैदे का आटा है, आधा किलो से कम का आटा है, और मैंने इसमें डाला है दही, ये देखिए दही, और डाला है मैंने नमक, और डाल दिया है मैंने तेल, और तेल डालने के बाद में मैं अभी इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और अच्छे से इसका एकदम मुलायम वाला नहीं नॉर्मल वाला डो बनाऊंगी, क्योंकि इसको बनाने का मैं आपको तरीका बता दूंगी। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और पानी अब इसको अच्छे से कर लेती हूँ मैं मिक्स, और इसके अंदर डालूंगी पानी, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, मैं थोड़ा ही डालना है, तो उसे मिक्स कर लूँगी और गून के आपसे मिलती हूँ। तो देखिए मेरा आटा गून कर हो चुका है, इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा से तेल, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2-3 बूंद, ताकि हम सिर्फ इसको चिकना कर लें, और हमको इसको रख देना है कम से कम 20 मिनट के लिए, उसके बाद इसको हम बनाएंगे, तब ये रहेगा, इसको ढककर मैं रख देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने देखिए कांदा लिया था 4 छोटे छोटे, तो इसके लिए मैंने डाला है कांदा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, ये और अपना हाँ यही चीज़ डाली मैंने, और ये मैंने ले लिया टमाटर, टमाटर का भी मैंने प्यूरी बना लिया है, मैंने दोनों बनाकर रख लिया, जैसे अभी छोले मेरे गल जाएंगे तो मैं इन लोगों को यूज़ करूँगी, मैं कैसे करूँगी वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसके लिए मैंने कांदा, अदरक, लहसुन और मिर्ची डाली है, कोथमीर नहीं डाला है, बहुत से लोग जो हरी मिर्ची होती है वो कट करके डालते हैं, तो वो मुँह में आएगा तो अच्छा नहीं लगता बच्चे लोग को, पूरा मैश रहेगा तो अच्छा रहता है, इसलिए मैंने इसी के अंदर हरी मिर्ची डाल दिया है ताकि अंदर मिक्स हो जाए। तो ठीक है, तो देखिए मेरे छोले गल चुके हैं, मैंने इसको चढ़ा दिया था, इसको मैंने लगाया था 5 सीटी, तो 5 सीटी में ये तो गल तो गया है ऑलमोस्ट, हाँ गल गया है अच्छे से, देखिए ये जो है ना, ये देखिए गल गया अच्छे से, और हमें ना क्या करना चाहिए, थोड़ा से है ना इसको ऐसे मैश कर देना, तो मैश कर देंगे ना तो इसको अच्छे से ना मैश कर देना, से थोड़े थोड़े चनों को, पूरों को नहीं, पूरों करेंगे तो हलवा बन जाएगा, पूरों को नहीं थोड़ों को ऐसे ऐसे, ताकि ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा इसके अंदर मिक्स वाला लगे, देखिए ऐसा हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, और ये जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा है उसमें कांदा भी है, हरी मिर्ची भी है, वो मैं सब इसमें डाल देती हूँ, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बहुत लोग अदरक लहसुन का पेस्ट और कांदा अलग अलग डालते हैं, लेकिन मैंने सब मिक्स साथ में किया क्योंकि मुझे हरी मिर्ची भी पीसनी थी, तो ये अच्छे से भी भुन जाएगा, तो मैं इसमें टमाटर का पेस्ट भी डालूंगी।
तो मैंने टमाटर का जो पेस्ट था उसी के अंदर मैंने डाल दिया मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और चना मसाला पाउडर, ये है छोले 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 पाउडर। तो सूखे मसाला सूखा चना बनाते उसमें भी यही डालते हैं और छोले में भी यही, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है बड़ा वाला। तो आपको धनिया पाउडर, जीरा पाउडर जो भी और काली मिर्ची पाउडर वो सब डालेंगे तो और भी अच्छा बनेगा। बट मेरे पास अभी इस वक्त मैंने उसको कुछ अरेंज नहीं करा है, जो मेरे पास है मैं उसमें बना रही हूँ। तो अभी मेरा कांदा होने आया है तो मैं ये सब डाल दूँगी। तो देखिए मेरे कांदा जो है वो भून चुका है भूनकर, तब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। और टमाटर के पेस्ट में जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वो सब इसमें सब इसमें डाल देती हूँ और हम कर लेती हूँ मिक्स। इसे अच्छे से भूनना है, ठीक है, इसे भून लेती हूँ। और अभी मेरा जो मसाला हो रहा है इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ थोड़ी से कसूरी मेथी, जिसको मैंने थोड़ा से भून लिया है हल्का से, और हम ऊपर से भी डालेंगे बट इसके अंदर डालने भी इसका पूरा फ्लेवर अभी इस वक्त अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आटा मैंने 20-25 मिनट हो गए मेरे ख्याल से, तो आटा हो गया सॉफ्ट। अभी इसका हम छोटा छोटा डो बनाएंगे और फिर उसको मैं बनाऊंगी नान। अभी मैं छोटा छोटा बना लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे से बनाने हैं। चलिए मिलते हैं। तो इधर मैंने बेल लिया है, एक छोटा डो बना, एक मैं आपको बता दूँ बेलकर, इसके ऊपर डाला है मैंने कोथमीर और डाला है मैंने कसूरी मेथी थोड़ा से। तो डालकर मैंने भूल पी बेल लिया है अच्छे से, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब मैं इसे बनाऊँगी। तो मेरा मसाला हो चुका है, अब मैं इसमें डाल लेती हूँ छोले। तो मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मैं कर ले रही हूँ मिक्स। देखिए ये ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो गया है, अब ये पकेगा तो थोड़ा और गाढ़ा होगा। और जो मैंने कसूरी मेथी बचा के रखी थी वो इसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने एक साथ में क्रंच कर ली भूल लिया था, और मैं इसे डाल देती हूँ। अभी अच्छे से पकेगा, ठीक है बहुत। और हमें इस ऊपर से धनिया डालना है तो हम वो भी डाल सकते हैं, नींबू निचोड़ना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो चलिए बना रही हूँ नान। तो अभी शाइन गुले बना के दे रही है और मैं यहाँ पर बेल रही हूँ। तो मैं बेलकर आपको बताती हूँ नान कैसे बनानी है, वो भी बताती हूँ। मेरे छोले हो रहे हैं अभी, तो मैंने नान देखिए इस तरह बेल लिया है। एक नान मैं डाल चुकी हूँ, ये देखिए एक नान मैं डाल चुकी हूँ। अभी इसे मैं कर रही हूँ पलटी, क्योंकि हमारे ये पलटी में ही होगा। तो देखिए इस तरह करने से हो जाता है। तवा उसके लिए पुराना ही चाहिए, नवा तवा या नॉन स्टिक नहीं चाहिए। तो मेरी रोटी गिर भी गई है इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो जाती है इसके अंदर। तो हम डायरेक्ट तवे पे डालकर भी कर सकते हैं, तवे पे बोल रही चूल्हे पर, ये हो जाती है। देखिए मेरी रोटी फूक रही है, अब मैं तवे को कर रही हूँ पलटी। पलटी में इस तरह करने से रोटी के ऊपर भाप जाता है तो पक जाती है। देखिए रोटी पक रही है। तो नान इस तरह भी बनाते हैं और दूसरे भी तरीके होते हैं जो आपको पता चल जाएंगे धीरे धीरे। तो देखिए हमारी रोटी पक रही है, रोटी नहीं नान। तो चलिए इसे होने के बाद बताती हूँ मैं। हो चुका है छोले और नान जिसे मैंने बनाया है, देखिए उसी तरह बनाई है। तवे पे हम सेक कर भी बना सकते हैं, या तवे को पलटी करके बना सकते हैं, या फिर रोटी जैसा बना सकते हैं। देखिए थोड़ी डार्क हो गई है पर अच्छी बनी है, तो आप लोग भी ज़रूर ये बनाइए छोले और नान। चलिए मिलते हैं। आ रहे हैं वो भाभी के यहाँ, जहाँ पर मैंने बोला था कि हम लोग हर साल जाते हैं, तो अभी भी जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं 9:15, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया ना। मेकअप किया है देखो मैंने, इतनी डार्क लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, पर आज लिपस्टिक ये कलर मुझे बहुत पसंद है तो मैंने लगा लिया है। और हम लोगों ने नए कपड़े भी पहन लिए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ, आने के बाद मिलती हूँ। और गौहर तो चलिए चलते हैं। देखो रंगोली बहुत अच्छी है।
और ठीक से चलो। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये गली का नज़ारा, बहुत शाइन। आगे चलो तो देखो यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है। वाह, तो हम लोग गए थे तो घर में और अच्छा लगा। देखो तो हम लोग घर पर आ गए। एक्चुअली वहाँ का वीडियो लेने इसलिए नहीं बना क्योंकि उनके घर में ना बहुत सारे मेहमान आ गए थे और नहीं जम रहा था किसी को कि हम लोग बोलते नहीं हमको नहीं आना वीडियो में ऐसा सब, तो इसलिए नहीं ली हम लोगों ने वीडियो। और हम लोग आ गए घर पे, बज रहे हैं 10:30। अभी खाना तो देखो भैया नियाज खा के आ गया है, चाय में भी इसको भूख नहीं। मेरे छोले और नान है, कुलचे ही बोल सकते उसको, तो वो है। लेकिन अभी गौर बोरी है, जिद करी कि उसको भी फटाकरे दिलाओ, तो जाके दिला के आती हूँ मैं। और फोड़ने के लिए उसको पता नहीं, वो हमारे स्कूल है जहाँ पर हम लोग जाते हैं वहाँ पर जाने हो रही है, या फिर यहाँ पर देखते क्या करती है। और जाकर आगे हम लोग अच्छा लगा, तो चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। तो घर पर आ गई, खाना वाना मैंने खा लिया, गौहर ने थोड़ा से खाई और नीचे चली गई फटाकरा फोड़ने वाली। मम्मी कहीं और लेके मत जाओ वरना हम लोग स्कूल यहाँ पर जेवियर और बहुत बड़ा मैदान है तो वहाँ पर जला सकते कर सकते मतलब जो भी फटाकरे फोड़ना, तो वही चलेगा। तो बच्चे नीचे फोड़ रहे हैं खाना खाने के बाद में। अभी बज रहे हैं 12:45, अभी भी फोड़ रहे हैं। कान में पहनती नहीं हूँ ना, अभी पहनी ना मैंने तो बहुत मेरा दर्द देने लग गया। तो जाकर भी आ गया, मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, दुपट्टा तो वही है। अब मेकअप मैंने थोड़ा थोड़ा निकला है, थोड़ा है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, मैं आपको अपनी दुआ में हमेशा याद कर रखूँगी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो देखिए, अच्छे लगेंगे आपको। नॉर्मल है, सिंपल है, छोटा है, प्यारा है। पर तो हमारी बिल्लियों का भी खाना हो चुका है, मेरा हो चुका है, बच्चे हैं नीचे तो बताती हूँ, पर फोड़ रहे फटाकरे क्या करें जाने दो। तो अभी मैं झाड़ू वाड़ू मार के बिस्तर डाल देती हूँ, बर्तन वगैरह तो मैंने खस लिया। तो चलिए मिलते हैं कल यानी कि अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।